अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आई डोंट नो व्हाई पार्ट्स ऑफ स्पीच को इतना हवा बनाया हुआ, इतना मुश्किल लेते हैं। हालांकि बड़ी आसान चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहीं भी आप इंग्लिश पढ़ने जाएं, किसी भी स्कूल, सेंटर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की जो शुरुआत होती है, जो स्टार्ट होता है, जो बिगिन होता है, जो इनिशिएट करते हैं इंग्लिश को, वो हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच से करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में है कितने? इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी 8 तरह के अल्फाज होते हैं इंग्लिश में। आप इंग्लिश में कोई भी अल्फाज उठा लें, वो इन 8 टाइप्स में से एक होगा। या तो वो नाउन होगा, या वो प्रोनाउन होगा, या वो एडजेक्टिव होगा, या वो एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरीके से 8 अल्फाजों की पहचाने हैं, 8 तरह के अल्फाज हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इतने अहम है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे हम इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इन्हीं वर्ड्स को हम मिला के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब अगर किसी शख्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड ना हो, हम तो इंग्लिश ग्रामर के तहत सीखते हैं ना, अगर किसी शख्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड ना हो, वो कैसे जो है ना सेंटेंसेस बना सकता है, इन अल्फाजों को जोड़ सकता है? तो इंग्लिश का पहला स्टेप मेरी नज़र में वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, आए आपकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। यही मसला है कि हम इनको इसको पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप इसको नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से ये बड़े प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, हमें बड़े डिफिकल्ट लगते हैं। तो ये इसकी सीक्वेंस है। अगर आप इस सीक्वेंस में इनको समझेंगे, याद करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको आसानी से जहन में भी बैठ जाएंगे। ये सीक्वेंस होनी चाहिए कि सबसे पहले जो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें मैंने सबसे पहले लिखा है नाउन। नाउन क्या है भाई? नेमिंग वर्ड्स। सबसे छोटी डेफिनेशन नेमिंग वर्ड्स। और बड़ी डेफिनेशन क्या है कि भाई नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस एंड एनिमल इज कॉल्ड नाउन। किसी भी जगह, चीज, शख्स के नाम को नाउन कहते हैं। तो इंग्लिश में आप कोई भी ऐसा अल्फाज देखेंगे जो किसी जगह, चीज, शख्स का नाम है या नेमिंग वर्ड्स है, नेमिंग वर्ड्स किसी भी चीज का नाम है, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि वो क्या है। वो है नाउन। डोमिनो एक नाउन है, यूरिका एक नाउन है, बर्लिट्स एक नाउन है, ओके, तो एंग्लोफाइल एक नाउन है, अमेरिकन लैंग्वेज सेंटर एक नाउन, मतलब किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर का नाम। चेयर एक नाउन है, और चेयर एक नाउन है, ये डोर एक नाउन है, LCD एक नाउन है, ये कंप्यूटर के बाद नाउन का भाई प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तीनों इंटरलिंक है, एक दूसरे से जो है ना कनेक्टेड हैं। इसलिए अगर हम तीनों को एक साथ सीखेंगे ना, फिर मसला हल हो जाएगा। मसला ये हम पहले नाउन सीखते हैं, फिर वर्ब और प्रोनाउन नीचे चला जाता है, नहीं। नाउन क्या है? किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर का नाम। जितनी भी चीजें दुनिया में है वो इंग्लिश में क्या है? नाउन है। उनकी इंग्लिश में क्या पहचान है? नाउन है। अच्छा, फिर है प्रोनाउन। देखे ना, प्रोनाउन, प्रोनाउन नाम में ही नाउन आ रहा है। तो ऐसी चीज जो नाउन की, ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, वो प्रोनाउन है। जैसे अली है, अली की जगह ही इस्तेमाल हो गया, ही प्रोनाउन है। जैसे हिना है, हिना की जगह शी इस्तेमाल हो गया, शी क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे नाउन की बहुत सारी टाइप्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, फलाना, कंपाउंड, कलेक्टिव, सिंगुलर, प्लूलर, ये सारे इसी तरीके से प्रोनाउन की भी टाइप हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, टाइप्स में नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं, किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर का नाम नाउन है। नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो, प्रोनाउन। जैसे अली नाउन था, अली की जगह इस्तेमाल होगा ही, प्रोनाउन हो गया भाई, सही है ना। जैसे मैंने कहा हिना, हिना की जगह शी इस्तेमाल हुआ, तो शी प्रोनाउन। तो नाउन किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर का नाम, नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो, नाउन की जगह जो ले ले, प्लेस ऑफ नाउन, क्या लिखा है डेफिनेशन में, इन प्लेस ऑफ नाउन। फिर नाउन और प्रोनाउन का जो चमचा है, नाउन प्रोनाउन की जो तारीफ करता है, वो है क्या? एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग। यहां तो लिखा हुआ डिस्क्राइबिंग एनी वर्ड, मगर खास तौर से क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब, विच एक्सप्लेन्स नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की जो तारीफ करे वो क्या कहलाता है? वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैं कहता हूं अली इज स्मार्ट, अली स्मार्ट है, तो स्मार्ट कौन है? अली। स्मार्ट अल्फाज किसकी तारीफ कर रहा है? अली की तारीफ कर रहा है, तो स्मार्ट हमारा एडजेक्टिव है। अली नाउन था और स्मार्ट उसकी तारीफ है, तो स्मार्ट हमारा एडजेक्टिव है। जैसे मैं कहता हूं शी इज शार्प, वो तेज है, तो शार्प कौन है? शी। शी क्या है? प्रोनाउन। और शार्प क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि शार्प शी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसे अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करें, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन की चमचागिरी करें, उनकी अच्छी बुरी बातें बताएं, उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। अब एडजेक्टिव भी तीन होते हैं, एक होता है नॉर्मल डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव। हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, ओके? फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर इनको इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे ना, आप कभी नहीं भूलेंगे। नाउन किसी भी चीज, जगह, शख्स, जानवर का नाम, प्रोनाउन उसकी जगह जो इस्तेमाल हो, नाउन प्रोनाउन की जो तारीफ करे वो एडजेक्टिव। फिर उसके बाद आता है सबसे अहम पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो है वर्ब।
वर्ब के बगैर जुमला इनकम्प्लीट है, वर्ब के बगैर जुमला बन ही नहीं सकता। जो जुमले की बैकबोन है ना वो है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करें, या तो किसी अमल को शो करें एक्शन को, या किसी नॉन एक्शन यानी स्टेट को, कंडीशन या प्रॉपर्टी को शो करें, तो वो कहलाते हैं एक्शन, वो कहलाते हैं वर्ब। वर्ब के बगैर जुमला नहीं बन सकता। जैसे जुमला है आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले बन सकता है, प्ले क्रिकेट बन सकता है, आई क्रिकेट नहीं बन सकता, प्ले का होना जरूरी है। वर्ब ही तो सबसे मेन चीज है जुमले में, बताता है कि हो क्या रहा है। तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बाद है वर्ब, ऐसे अल्फाज जो किसी अमल को, किसी एक्शन को या नॉन एक्शन यानी स्टेट को शो करें, ये है वर्ब। दो ही टाइप है वर्ब की, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। फिर इनकी फॉर्म्स चार हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फिर अगर फॉर्म्स एक जैसी हैं सेकंड और थर्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, तो रेगुलर वर्ब है। अगर फॉर्म्स अलग अलग हैं सेकंड और थर्ड, तो वो इरेगुलर वर्ब है। लोग कहते हैं वर्ब की दो टाइप है, रेगुलर इरेगुलर। अरे भाई वो फॉर्म्स की टाइप है, वर्ब की तो दो टाइप है, एक्शन और स्टेट। अच्छा, तो वर्ब ऐसा अल्फाज जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करे। अब जिस तरह एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन का चमचा था एडजेक्टिव, इसी तरीके से एडवर्ब किसका चमचा है? एडवर्ब वर्ब का चमचा है। एडवर्ब क्या करता है? दो काम करता है। जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता था, ऐसे एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एक बात। दूसरी बात, एडवर्ब जुमले में और एडिशन करता है। जैसे मैं कहता हूं ही इज शार्प, वो शार्प है, तो शार्प ही की क्वालिटी है। शार्प क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब मैं कहता हूं ही स्पीक्स शार्पली, वो बोलता है शार्पली। यहाँ पे शार्पली किसे एक्सप्लेन कर रहा है? ही को? ना ना ना, शार्पली एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे स्पीक्स को, कि बोलने का काम शार्पली होता है। तो शार्पली क्या हुआ? एडवर्ब। देखे ना, नाम में क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब। वर्ब की खासियत बताता है, या तो जुमले को कभी और एडिशन करता है। इसकी भी वही तीन डिग्रीज है, नॉर्मल, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, प्लस टाइप भी है इसकी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एक तरफ, वर्ब और एडवर्ब दूसरी तरफ, इन दोनों का एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस तरह हम सीक्वेंस से अपने जहन में बिठाएंगे ना। प्रीपोजिशन 150-160 प्रीपोजिशन है। क्या करते हैं ये? नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ते हैं, एक ये बात। दूसरी बात, ये प्लेस और टाइम से पहले आते हैं नाउन और ये प्रीपोजिशन। सबसे अहम तीन प्रीपोजिशन आपको पता है, इन, ऑन, एट। इसके अलावा भी बहुत है, आफ्टर, बिफोर, विद, विद, फॉर, सिंस, बिसाइड, बिहाइंड, और जो है ना बिटवीन। ये सारे क्या हैं? प्रीपोजिशन है जो नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रीपोजिशंस को मैं कहता हूँ नट्स एंड बोल्ट्स। ये अगर पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे अल्फाज जो ये इंजन के बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, तो इनके नट्स एंड बोल्ट्स हैं, वो प्रीपोजिशन है। इनको आपस में जोड़ते प्रीपोजिशन ही है। प्रीपोजिशन के बाद इतना ज़्यादा नहीं, असल में ये छः शुरू की जो टाइप है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन छः पे बड़ा जोर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग कंजक्शन पे। कंजक्शन क्या करता है हमारा? ये दो अल्फाजों को या दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। और, बट, बिकॉज, देन, ये सारे क्या होते हैं? कंजक्शन। हम इतना जोर नहीं देते कंजक्शन पे, कंजक्शन पढ़ाते हुए, क्योंकि आसान लेक्चर है ये, एक ही दिन में दोनों पढ़ा देते हैं अक्सर, कंजक्शन। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो करते हैं, वाओ, हुर्रा। और इनकी एक पहचान भी है इंटरजेक्शन की, इनके साथ एक डंडा और एक नुक्ता वो लगा हुआ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसका मतलब है वो फीलिंग्स बता रहे हैं। या कभी किसी बात पे जोर दिया जाता है, वहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो नाउ आप अल्फाजों को आराम से पहचान लेंगे, कोई न्यूज़पेपर निकालें इंग्लिश, कोई डाइजेस्ट निकालें, कोई नॉवल निकालें इंग्लिश, उसमें अंडरलाइन करना शुरू करें, पहचानना शुरू करें। नाउन जहाँ पे आए उसके आगे, नाउन के आगे एन लिखें और अंडरलाइन करें, या एक पेज पे सिर्फ नाउन अंडरलाइन करें कि भाई किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर का नाम नाउन है। फिर एक पेज पे प्रोनाउन अंडरलाइन करें कि नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ही, शी, माय, हिज, हर, ये सारे प्रोनाउन है। फिर एक पेज पे एडजेक्टिव, जो कि मुश्किल काम है, एडजेक्टिव अंडरलाइन करें, ऐसे अल्फाज जो नाउन प्रोनाउन की खासियत बता रहे हैं, नाउन प्रोनाउन की खासियत बता रहे हैं। ही इज इंटेलिजेंट, हाँ भाई इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ही की क्वालिटी बता रहे हैं, ही की क्वालिटी बता रहे हैं। ओके, मैं कहता हूँ दिस बिल्डिंग इज टॉल, बिग, बिग नहीं होता कभी भी, टॉल। अक्सर लोग कहते हैं दिस बिल्डिंग इज बिग, दिस बिल्डिंग इज टॉल, टॉल भाई बिल्डिंग नाउन है, उसकी खासियत है, इस तरह। फिर एक पेज पे एडवर्ब अंडरलाइन करें, ऐसे अल्फाज जो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, बोलने का काम कैसे होता है? फ्लुएंटली, एडवर्ब हो गया। फिर प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन करें, कहाँ? छोटे छोटे अल्फाज जो है ना नाउन प्रोनाउन को मिला रहे हैं, या प्लेस और टाइम से पहले आ रहे हैं। प्रीपोजिशन प्लेस और टाइम से पहले आते हैं, जैसे आई एम इन क्लास, क्लास एक प्लेस, उससे पहले आया इन। इसके अलावा फिर कंजक्शन,
जो ऐसे अल्फाज जो अल्फाज या जुमलों को मिला रहे हैं। फिर इंटरजेक्शंस देखें कि ऐसे अल्फाज जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो कर रहे हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, इसलिए मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में और सीक्वेंस के साथ लिख के बनाया। ये इस तरह समझें पार्ट्स ऑफ स्पीच को, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।